सैनिटरी पैड और पीरियड जैसे मुद्दे पर तो लोग बात तक नहीं करना चाहते। अब तक हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड तक किसी ने भी इस पर फिल्म बनाने की सोची नहीं, लेकिन ये हिम्मत अक्षय कुमार ने दिखाई। बहुत मुश्किल है एक बड़े स्टार के लिए ऐसा विषय चुनना जिसका नाम लेते ही लोग नजरें चुराने लगते हैं। जब लोग देखेंगे और सुनेंगे ही नहीं तो समझेंगे कैसे। लेकिन इस फिल्म के जरिए अक्षय कुमार अपनी बात दर्शकों तक आसान भाषा में पहुंचाने में कामयाब रहे हैं। फिल्म आने से पहले इसे लेकर दो डर थे, पहला कि कहीं बहुत फिल्मी ना हो जाए और दूसरा कि कहीं डॉक्यूमेंट्री जैसी ना बना दें। जागरूकता फैलाने के लिए लिहाज से फिल्म बोरिंग हुई तो उसे लोग देखने सिनेमाघर नहीं जाएंगे और फिर सारी मेहनत बेकार जाएगी। लेकिन फिल्म देखने के बाद ये कहा जा सकता कि ये फिल्म गेम चेंजर भी साबित होने वाली है, क्योंकि इसके बाद पीरियड और सैनिटरी पैड जैसे शब्दों को लेकर लोगों की राय बदलने वाली है। अब इस पर कम से लोग बात करने से तो नहीं हिचकिचाएंगे। ये फिल्म तमिलनाडु के रहने वाले अरुणाचलम मुरुगनाथम के ऊपर बनी है, जिन्होंने सैनिटरी पैड बनाने वाली मशीन का आविष्कार किया। इनकी कहानी को अक्षय की पत्नी ट्विंकल खन्ना ने अपनी किताब में लिखी, उसके बाद इस पर फिल्म बनाने के लिए उन्हें राजी किया। फिल्म की कहानी की बात करें तो ये फिल्म मध्य प्रदेश के बैकग्राउंड में बनी है और साल 2001 के दौरान की कहानी दिखाई गई है। लक्ष्मीकांत चौहान अक्षय कुमार अपनी पत्नी से बेइंतहा मोहब्बत करता है। लोग प्यार से उसे लक्ष्मी बुलाते हैं। जैसे हाँ पता चलता है कि उसकी पत्नी गायत्री राधिका आप्टे अपनी पीरियड माहवारी के दौरान गंदे कपड़ों का इस्तेमाल करती है, वो इस बात को लेकर परेशान हो जाता है। गंदगी से कई बड़ी बीमारियां फैलती हैं और उसे इस बात की फिक्र है कि गायत्री को कुछ ना हो। फिर क्या, वो सैनिटरी पैड लाकर देता है लेकिन कीमत देखकर पत्नी यूज करने से मना कर देती है। तब अक्षय कुमार सस्ते नैपकिन बनाने का आइडिया सोचता है, फिर वो कैसे मशीन बनाता है और सफल होता है, इसके लिए तो आपको पूरी मूवी देखनी पड़ेगी। एक्टिंग की बात करें तो अक्षय का काम काबिले तारीफ है और राधिका आप्टे और सोनम ने भी अपने अपने किरदार के साथ न्याय किया है। हम इस फिल्म को 4 स्टार की रेटिंग देते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।